हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद कमलेश। आज का जो हमारा वीडियो है वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड वीडियो है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स में स्पेशली हमारे जो तीन अकाउंट्स होते हैं, वो पहला पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा रियल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? देखिए, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू ऑल पर्सन लाइक इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बैंक एंड एसोसिएशन आर फॉल इन पर्सनल अकाउंट कैटेगरी। देखिए, ऑल पर्सन लाइक इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी पर्सन होते हैं वो या तो इंडिविजुअल होने चाहिए, या तो कोई फर्म होना चाहिए, या तो कोई कंपनी होनी चाहिए, या बैंक होना चाहिए, या कोई एसोसिएशन होना चाहिए। तो वो सब हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं, कमलेश अकाउंट, लाइक मैं ही हूँ, मेरा नाम कमलेश है, तो कमलेश अकाउंट, या सिद्धार्थ अकाउंट, या अमन अकाउंट, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। दूसरा एबीपी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या एक्सिस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो जैसे कि आगे पीएनबी बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सब हमारे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अब सेकंड पे आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू एसेट आर प्रॉपर्टीज। दीज इंक्लूड्स एसेट डेट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड, ठीक है। तो दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू एसेट आर प्रॉपर्टीज। रियल अकाउंट वो होता है जो रिलेट करना चाहिए, ठीक है, किसी एसेट और प्रॉपर्टी से। जो हमारा एसेट संपत्ति होता है या कोई प्रॉपर्टी होती है उसमें होना चाहिए, उससे रिलेट मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। दीज इंक्लूड्स एसेट डेट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए ज़रा, आप अच्छे से ध्यान से देखिए, हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस। देखिए, जो हमारी संपत्ति एसेट होनी चाहिए वो फिजिकल एक्सिस्टेंस उसका होना चाहिए। मींस कहने का मतलब होना ये होना है कि वो फिजिकल में होना चाहिए, कैन बी टच, जिससे हम उसको छू सकें, ठीक है। जैसे कि जो हमारा एसेट हो उसे हम टच कर सकें, ठीक है। ऐसे जो एसेट होते हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टी होती है, वो हमारा किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं, जैसे कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, कंप्यूटर अकाउंट हो गया, ठीक है, और बहुत सारे कई चीज़ें आते हैं। हमने तो एज एग्जांपल के लिए इतना ही लिया है। और नेक्स्ट जो हमारा होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड गेंस एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में हमारे वो चीज़ें आते हैं, लाइक हमारा कोई इनकम हुआ, या हमने कुछ गेन किया, एक ही बात है, या तो हमारा कोई एक्सपेंस हुआ। सिंपल वे में याद रखिए कि नॉमिनल में हमारे जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम नॉमिनल में रखते हैं, उनको हम नॉमिनल में, नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, लाइक परचेज अकाउंट हो गया। देखिए, परचेज करते हैं तो हमारा पैसा जाता है, तो ये हमारा कुछ मतलब एक्सपेंस ही है ना। सेल्स करते हैं तो हमारी इनकम होती है, ये हमारा इनकम हो गया, तो ये भी नॉमिनल में आएगा। वेजेस, सैलरी, ये सब पेमेंट करते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा मतलब नॉमिनल में आएगा। कमीशन, रेंट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इनकम और एक्सपेंसेज होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आएंगे? नॉमिनल में आएंगे।
तो बेसिकली आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, टाइप्स ऑफ से अकाउंट, थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो कि हमारा इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, बैंक, एसोसिएशन में के कैटेगरी में ये सब आते हैं, ठीक है। रियल में जो मतलब एसेट या जो प्रॉपर्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो फिजिकल एक्सिस्टेंस में होनी चाहिए और हम उसको छू सकें, जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब, वो हमारा रियल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड गेंस आर एक्सपेंसेज और लॉसेज, ठीक है। जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेज होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।